नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों का। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी दलों के नेताओं ने मतदाताओं को रिझाने के लिए दावों और वादों की झड़ी लगाना शुरू कर दिया है। बीजेपी जहां एक तरफ मतदाताओं को रिझाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, तो वहीं बीएसपी भी मतदाताओं को अपने पाले में लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इसी क्रम में बीएसपी नेता भी किसी से कम नहीं है। दातागंज 117 विधानसभा से बीएसपी प्रत्याशी रचित गुप्ता से बात की हमारे सहयोगी विजय ने, सुनिए। उत्तर प्रदेश में जो है राजनीति का पारा कितना चढ़ चुका है, ये देखने को मिलेगा कि आज जो नेता 5 साल पहले वादे करके जाते थे, आज जो है वो गांव-गांव जनता के बीच घूम रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बदायूं जनपद के 117 विधानसभा की, और यहाँ पर मैं बात करूंगा यहाँ पर बीएसपी के प्रत्याशी से कि जनता के मन में क्या है। जनता के मन से जानने से पहले मैं जानूंगा कि यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं वो जनता के प्रति क्या वादे लेकर के जा रहे हैं और जनता के लिए क्या जो है वादे करके आ रहे हैं। साथ रचित जी, क्या 2022 में बड़ा कड़ा मुकाबला है, आप पहली बार जो है चुनाव मैदान में है, युवा है, क्या लगता है ऐसे जो महारथी है उनके सामने आज चुनाव लड़ा, क्या लग रहा है? मैं इस चुनावी सवर में अर्जुन की तरह आया हूँ और ये जो चक्रव्यूह, इस चक्रव्यूह को मैं अपने सर्व समाज के साथ तोड़ दूंगा। मेरे दादाजी आदरणीय श्री धर्मपाल वैश जी, 40 साल उन्होंने मेरे दातागंज विधानसभा की, नगर पंचायत दातागंज की 40 साल सेवा की, 40 साल तक वो कंटिन्यू चेयरमैन रहे, और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने मुझे ये सम्मान दिया है। मैं इस विधानसभा के लायक, बहन जी ने मुझे भेजा है, लोगों के बीच भेजा है, मैं लोगों के साथ उनके सेवक बनके, उनका भाई बनके, उनका बेटा बनके इस विधानसभा का काम करूंगा। और युवा वाली बात है, हर कोई अपना पहला चुनाव लड़ता है, चाहे वो युवा अवस्था में लड़ ले, चाहे वो वृद्ध अवस्था में लड़े, और चाहे वो किसी भी अवस्था में लड़े, सबका पहला चुनाव तो किसी ना किसी को एक बार लड़ना पड़ता है। मेरा भी पहला है और ये चुनाव बहुत शानदार तरीके से लड़े। अच्छा, एक चीज़ देखने को मिल रही है रचित जी की, जिस तरह से आप जो फाइट हो रही है, जिस तरह से आप आ रहे हैं, वो कई चुनाव रह चुके हैं, बहुत पुरानी राजनीति कर चुके हैं, क्या लगता है आप कैसे मुकाबला कर पाएंगे उनसे? मैं युवा हूँ, 24 घंटे में से 6 घंटे सिर्फ सोता हूँ, बाकी टाइम काम करता हूँ। मेरे साथ बहुत बड़ी टीम है और बहन जी का आशीर्वाद है, और बाकी मेरे क्षेत्र में सर्व समाज मेरे को प्यार कर रहा है, और मेरा ग्राउंड 2017 से तैयार है। मैं नया नहीं हूँ, 2017 से विधानसभा में जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, लोगों के बीच में रह रहा हूँ, और मैं लोगों से बिल्कुल उनके चूल्हे तक जुड़ा हुआ हूँ। मेरा उनसे संपर्क उनके चूल्हे तक है, मैं नया नहीं हूँ, विधानसभा से जुड़ा हुआ हूँ, और बहुत प्यार मिल रहा है मुझे, अपार प्यार मिल रहा है मेरे विधानसभा के समर्थकों से। जनता के बीच क्या कैसे वादे लेकर के जा रहे हैं, अगर आप 2022 में आते हैं तो क्या उन वादों पे कैसे खरा उतर पाएंगे? हम ऐसा विकास नहीं कराएंगे जैसा ये विकास है, इसका एक बार फोटो लीजिए, ये विकास नहीं कराएंगे। कई गांव में घूमा हूँ, और मैंने कल परसों मेरा भ्रमण था हमारे पार में, गंगा पार में मैंने कई गाँव घूमे थे, नवादा बदन था, और भी कई गाँव मैंने घूमे जिनमें मैंने देखा कि सड़कें ही नहीं हैं, इतनी इतनी बैकवर्ड, इतनी पिछड़ी पृष्ठभूमि की विधानसभा, इस सब लोग अपना ही विकास करते रह गए, विधानसभा का विकास हुआ ही नहीं, और इस सरकार ने विकास नहीं किया, विकास हुआ ही नहीं आज तक। ये थे हमारे साथ रचित गुप्ता, उन्होंने पीछे दिखाया भी कि जो विधानसभा का हाल है वो किस तरह का है, और आने वाले समय में यदि विधायक जनता चुन के मुझे लाती है तो जिस तरह का विकास हुआ है उससे कहीं जो है विधानसभा 117 को जो है विकास के पथ पर ले जाने का कार्य करेंगे। कैमरा पर्सन सुधीर के साथ विजय राठौर, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, बताइए। देवरिया के रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के कटाई चौराहे पर उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विकास के काम पर पुनः सत्ता में वापस आएगी। केंद्र में नरेंद्र मोदी, प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व देश और प्रदेश तरक्की की ऊंचाइयों को छू रहा है। प्रदेश के सभी वर्ग अपने आप को खुशहाल महसूस कर रहे हैं। शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य मजबूत हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद ने ये कहा कि लगातार उत्तर प्रदेश विकास की गति को छू रहा है और आगे भी ऐसा ही होगा। वहीं निषाद ने आगे कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में 350 से अधिक सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता में वापस आएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है तब से बहु बेटियां, छात्र, नौजवान अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र रुद्रपुर में हमने जब जब जनता ने आशीर्वाद दिया है,
हमें यहाँ पर अपने विधायक के रूप में जिताया है। अब तक हमने जो है इस विधानसभा क्षेत्र में भारी पैमाने पर विकास का कार्य कराया है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सड़क का क्षेत्र हो, बाढ़ बचाव की स्थिति जो भी हो, अथवा आम आदमी के सम्मान की बात हो, हर क्षेत्र में हमने अच्छे ढंग से काम किया है। रुद्रपुर की जनता हमारे पर विश्वास करती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यों पर विश्वास करती है, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र और राज्य के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री योगी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। 2022 विधानसभा चुनाव बेहद नज़दीक है, ऐसे में तमाम पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने से पीछे नहीं हट रही हैं। वहीं चुनाव प्रचार में तमाम तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट किया है जिस पर सपा को एतराज़ है। ऐसे में सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने एक बयान जारी किया है, सुनिए क्या कहना है अनुराग भदौरिया का। उत्तर प्रदेश की जनता ने इतने सालों में देखा है कि भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार ने जो बोला वो सब झूठ निकला। ये जो बोलते हैं ठीक उसका उल्टा होता है। इसके मतलब 10 मार्च को योगी जी की सरकार जा रही है, समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है। लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। काकोरी निवासी संदीप नामक युवक की बदमाशों ने हत्या की है। हत्या कर बदमाश मौके से फरार हो गए। पारा थाना क्षेत्र के सलेमपुर में यह हत्या की गई है। सूचना पर पहुंचे पुलिस के अधिकारी, मौके पर लोगों की भीड़ भी दिखाई दी। वारदात से परिजनों सहित ग्रामीणों में पुलिस के खिलाफ खासा नाराजगी देखी जा रही है। थाना पारा क्षेत्र अंतर्गत घटना के संबंध में DCP दक्षिणी द्वारा दी गई तमाम बातें ये कहते हुए नजर आ रहे हैं गोपाल चौधरी कि इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है और जैसे ही इस पूरे मामले में आगे कार्रवाई की जाती है वैसे वैसे परिजनों को आश्वासन दिया जा रहा है। तो लखनऊ की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर युवक की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे परिजन और ग्रामीण काफी ज्यादा आक्रोशित नजर आए। ऐसे में वहां पर पुलिस अधिकारी पहुंचे हैं और उन्होंने परिवार को ढांढस बंधाया, साथ ही साथ जल्द से जल्द इस पूरे मामले का खुलासा करने की बात भी कही है। थाना पारा में आज सुबह एक डेड बॉडी मिलने की सूचना मिली थी। पुलिस मौके पर पहुंची, मृतक की शिनाख्त संदीप पाल थाना काकोरी में रहने वाले के रूप में हुई है। प्रथम दृष्टया एक गनशॉट इंजरी पेट में दिख रही है। बॉडी को PM के लिए भेजा गया है। FSL और डॉग स्क्वाड टीम मौके पर मौजूद है। तहरीर प्राप्त कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कुछ इसमें हमारे पास लीड है, इसका तो शीघ्र करके आगे कार्रवाई की जाएगी। 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस, जिसकी तैयारियों को लेकर आज विधानसभा के सामने परेड का ऑन रोड रिहर्सल किया गया। इस रिहर्सल में तमाम अलग अलग प्रकार की झांकियां निकाली गई, जिसमें पुलिस विभाग की तमाम टोलियां और PAC जवानों की टोलियों के साथ साथ महिला पुलिसकर्मी, होमगार्ड्स महिलाओं ने रिहर्सल के दौरान झांकियां दिखाई। इस परेड रिहर्सल में तमाम स्कूली बच्चों ने भी हिस्सा लिया था, पर सुबह से ही हो रही बरसात को देखते हुए बच्चों को वापस भेज दिया गया। तो लखनऊ की तस्वीरें आप देख रहे हैं 26 जनवरी की परेड को लेकर ये रिहर्सल होती हुई, तमाम तरीके की झांकियां यहां पर निकाली गई हैं। तो लखनऊ की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर ऑन रोड रिहर्सल की गई है। बताया जा रहा है कि पुलिस के जो जवान हैं और PAC जवान भांति भांति प्रकार के यहाँ पर झांकियां निकालते हुए नजर आए हैं और इस झांकियों के तहत ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि इतने सालों बाद लगातार जो भारत की सैन्य शक्ति है, चाहे वो पुलिस विभाग में हो, चाहे वो तमाम अलग अलग प्रकार की सैन्य शक्ति हो, वहाँ पर मजबूती लगातार देखी जा रही है। तो उसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, सुबह के वक्त की तस्वीरें। कुछ बच्चों को भी इसमें शामिल होना था लेकिन सुबह से हो रही बारिश की वजह से बच्चे इसमें शामिल नहीं हो पाए। भाजपा ने मैनपुरी की 2 विधानसभा प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। भुगावा विधानसभा से राम नरेश अग्निहोत्री, मैनपुरी सदर से जयवीर सिंह, पूर्व मंत्री करहर और किशनी सीट के प्रत्याशी पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। आपको बता दें कि धीरे धीरे जो लिस्ट है
प्रत्याशियों की वो तमाम पार्टियां जारी कर रही हैं। अगर बीजेपी की हम बात करें तो मैनपुरी की दो विधानसभा से यहां पर प्रत्याशी बीजेपी ने घोषित कर दिए हैं, जिसमें भोगावा विधानसभा से राम नरेश अग्निहोत्री, वहीं मैनपुरी सदर से जयवीर सिंह जो कि पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं उनका नाम फाइनल हुआ है। करहल और किशनी की अगर हम बात करें तो इन सीटों पर प्रत्याशियों पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। मेरठ में चुनावी संग्राम में उतरते हुए शहर विधानसभा सीट से बसपा प्रत्याशी हाजिर दिलशाद शौकत ने अपने समर्थकों के साथ अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। हाजिर दिलशाद शौकत ने बताया कि नामांकन की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, उन्हें कार्यकर्ताओं और जनता का भरपूर साथ मिला है। गौरतलब है कि बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने हाजिर दिलशाद शौकत को शहर विधानसभा सीट से बसपा प्रत्याशी घोषित किया है। हाजिर दिलशाद शौकत अपना नामांकन पत्र दाखिल करने मेरठ कलेक्ट्रेट पहुंचे। बता दें कि अपनी साफ छवि के चलते बसपा प्रत्याशी हाजिर दिलशाद शौकत इस चुनाव में जहां विरोधियों को कड़ी टक्कर देने का काम करेंगे तो वहीं चुनावी समीकरण बदलने के कयास भी लगाए जा रहे हैं। हाजिर दिलशाद शौकत ने अपनी जीत का दावा किया है। उन्होंने बताया कि मुस्लिम वोटों के साथ ही बसपा का परंपरागत वोट बैंक और अन्य सभी जातियों के वोटर उन्हें भरपूर समर्थन दे रहे हैं। रिजवान भाजपा के फायर ब्रांड नेता और सरधना विधानसभा सीट से विधायक संगीत सोम ने भी अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। इस मौके पर क्या कुछ कहा संगीत सोम ने वो भी सुनी। देखिए सबसे बड़ा मुद्दा तो महंगाई का मुद्दा है। अब देख लीजिए यदि घरेलू ही आप लेके चलें तो गैस का कनेक्शन कितने का था, गैस का सिलेंडर कितने का था, अब कितने का है। और जो माने जो हमारा बुनकर समाज है उन पर पहले फिक्स रेट था 300 रुपये लगभग, अब उन पर 1500-1500 रुपये का मशीन का बिल आ रहा है। जो महंगाई के मुद्दे हैं तो विधायक बनने के बाद सबसे पहले जो है मैं उस महंगाई को वहीं लेके आऊँगा। नहीं ये तो आप उनसे पूछिए ना कि आखिर उनके परिवार के सदस्य क्यों पार्टी छोड़कर भारतीय जनता में आ रहे हैं। इसका मतलब परिवार को भी उनके समाजवादी पार्टी का भरोसा नहीं है, उनके परिवार के लोग भी बहुत भरोसा, क्योंकि हम तो मुलायम सिंह जी का भी देखा, वो हमेशा कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीत आएगी। अभी आप जाके पूछ लीजिए वो बता देंगे कि भारतीय जनता पार्टी ही जीत आएगी, इसलिए परिवार के लोगों को मुलायम सिंह जी भेज रहे हैं। पीलीभीत की चारों विधानसभाओं में भाजपा ने अपने चारों प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। शुक्रवार शाम यूपी विधानसभा के तीसरे और चौथे चरण में होने वाले मतदान को लेकर करीब 85 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई, जिसमें पीलीभीत जनपद की चारों विधानसभा प्रत्याशियों के नाम शामिल बताए जा रहे हैं। पीलीभीत की तस्वीरें, 85 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई थी और बताया जा रहा है कि पीलीभीत की चारों विधानसभाओं में भाजपा ने अपने चारों प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं, जिसके बाद खुशी का माहौल देखने के लिए मिल रहा है। शुक्रवार शाम यूपी विधानसभा के तीसरे और चौथे चरण में होने वाले मतदान को लेकर करीब 85 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई, जिसमें पीलीभीत जनपद की चारों विधानसभा प्रत्याशियों के नाम शामिल बताए जा रहे हैं। उसके बाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं, खुशी का माहौल चारों तरफ देखा जा रहा है। पीलीभीत की अपनी विधानसभा के साथ साथ हम पीलीभीत की तीनों और सीट जीत करके उत्तर प्रदेश में फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मेरे ऊपर भरोसा किया, मैं सभी चैनलों के माध्यम से, सभी सम्मानित जो भी मेरे पत्रकार साथी हैं उन सबके माध्यम से अपनी पार्टी के सभी शीर्ष नेताओं को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और सब पार्टी के शीर्ष नेताओं को ये भरोसा दिलाता हूं कि जितना हम लोगों का जीत का मार्जिन पिछली बार था उससे इस बार ज़्यादा हम लोग क्रॉस करेंगे, क्योंकि हर सीट पर कमल का फूल और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी लड़ रहे हैं। हम लोगों का तो केवल एक नाम है लेकिन हर सीट पर योगी जी लड़ रहे हैं और कमल खिलने जा रहा है। और 2017 में परम पूज्य योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद मैं आज एक सवाल आपसे कर रहा हूँ, आपसे सवाल पूछते हैं, आप सब पीलीभीत के सम्मानित साथी हैं, आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि बताइए कि 2017 के से आज तक पीलीभीत शहर पीलीभीत के अंदर विकास हुआ या नहीं हुआ। और यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। अगर आप हैं किडनी जैसे गंभीर बीमारी से परेशान तो मत होइए हैरान, नोएडा में स्थित है पश्चिम उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा डायलिसिस रिसर्च सेंटर जो आपको करता है आधुनिक तकनीकी से भरपूर चिकित्सा सेवा प्रदान। जी हाँ, रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर ही तो है जो अस्पताल के अलावा घर पर भी डायलिसिस की बेहतरीन सुविधा
बहुत कम खर्च पर उपलब्ध कराता है। ये सब होता है विश्वसनीय चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट की निगरानी में। डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट विश्व प्रसिद्ध ऐसे डॉक्टर हैं जो बड़े बड़े चिकित्सा संस्थानों में न जाने कितने लोगों को नई जिंदगी दे चुके हैं। तो घबराए नहीं, किडनी जैसी गंभीर बीमारियों का डटकर सामना करें और रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर में अपना किडनी का इलाज कराएं। At GLA University, we make the way. We inspire. We are a family bound by a common bond. We lead. We innovate. The record breakers. The cheer makers. The dreamers. GLA University. Whether the goal is to get a job or to create a job. वेदांता एक ऐसा शैक्षिक संस्थान जहां होता है बेहतर शिक्षा का सही समाधान। सिविल सर्विसेज एग्जाम हो या फिर डिफेंस सर्विस एग्जाम, यहां सिविल शिक्षा की बारीकियों से रूबरू कराती अर्चना यादव कपूर। इस इंस्टीट्यूट को देहरादून में पॉपुलरली वेदांता आईएएस एकेडमी के नाम से जाना जाता है। इंस्टीट्यूट की स्थापना हमने 2006 में करी, उसके बाद निरंतर यहाँ से कई छात्रों ने अपनी तैयारी करी और सफलता प्राप्त करी। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं या फिर जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं उनके लिए हमने कुछ सीट्स रिजर्व करी हैं ताकि किसी भी वजह से कोई भी बच्चा, कोई भी छात्र आईएएस जैसी एग्जाम की तैयारी या पीसीएस जैसे एग्जाम की तैयारी से वंचित ना रह जाए। हमारे संस्थान से शिक्षा पाकर कई बच्चे यूपी और उत्तराखंड सरकार के अलग अलग विभागों में उच्च स्तर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। My name is Himani Pathak and I qualified PCS, UK PCS 2012 and I am currently serving as Assistant Commissioner for Cane and Sugar Department and I just want to express my gratitude and wishes to Amit sir and Arshna ma'am for their venture Vedanta and I just Good afternoon everyone, my name is Shivani Tripathi, I am posted as Assistant Commissioner State Tax with Government of Uttarakhand. When I started preparing for civil services, I joined Vedanta under the guidance of Amit Kapoor sir. तो फिर देर किस बात की? आज ही लीजिए एडमिशन और कीजिए अपना IAS PCS का सपना साकार. Vedanta, an exclusive IAS Institute of Dehradun, Uttarakhand. 11A Nimbuwala, opposite RIMC Main Gate, Garhi Cat, Dehradun. Mobile number 9319700579। ब्रेक के बाद एक बार सभी का बहुत स्वागत है, तो करेंगे खबरों का। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी दलों ने मतदाताओं को रिझाने के लिए दावों और वादों की झड़ी लगाना शुरू कर दिया। बीजेपी जहां एक तरफ मतदाताओं को रिझाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी मतदाताओं को अपने पाले में लाने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रही है। इस क्रम में सपा नेता गिरी यादव ने भी सपा के घोषणा पत्र के सहारे जीत का दावा किया। सपा नेता गिरी यादव से खास बातचीत के हमारे सहयोगी हेमंत सिंह ने सुनी। सभी राजनीतिक दल जैसे जैसे चुनाव आ रहा है एक दूसरे दलों के अंदर सेंध लगाने में लगे हुए हैं, और अगर बात करें हम बीजेपी की तो बीजेपी के भी चुनावी घोषणे और वादे जो है अपने चरम पे हैं, और वहीं समाजवादी पार्टी भी अपने दावों और वादों को जो है जनता के बीच लेकर जा रही है। चुनावी घोषणा पत्र का को के जरिए जो है वोटरों को सहेजने का काम सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता केडी यादव जी, और उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो पार्टियों के दावे हैं, समाजवादी पार्टी के जो दावे हैं और बीजेपी के जो दावे हैं, जो घोषणा पत्र के जरिए जो है सभी राजनीतिक दल अपने पाले में लाने के लिए, मतदाताओं को रिझाने के लिए काम कर रहे हैं, इनका क्या मानना? बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में आपका। धन्यवाद। क्या मानते हैं कि जिस तरह बीजेपी अपनी घोषणा पत्र के जरिए जो है वोटरों को रिझाने का काम में लगी हुई है, तो समाजवादी पार्टी क्या मानती है कि बीजेपी के जो दावे वादे हैं उन पर जनता के
कितना विश्वास करेगी और समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र क्या होगा और उसका जो है असर कितना देखने को मिलेगा चुनाव में। देखिए, समाजवादी पार्टी जो कहती है वो करती है, उनके कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने समाजवादी पार्टी ने कहा था कि हम नौजवानों को रोज़गार देंगे, तो अपने कार्यकाल में उन्होंने सभी ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को रोज़गार दिया। तो उन्होंने कहा था शिक्षा मित्रों को, मैं हमारी सरकार आएगी तो उनको मैं बहाली करके उन्हें परमानेंट करने का काम करेंगे, उन्होंने वो करके दिखाया। और उन्होंने पुलिस भर्ती से लेकर के और जितना भी सड़कों का विकास था, जो भी घोषणा पत्र में था, चाहे महिलाओं का पेंशन का सवाल था, उन्होंने कहा था लोहिया आवास का सवाल था, उन्होंने कहा था व्यापारियों के लिए जो सुविधा देना था उन्होंने कहा था, और जो किसानों के लिए उन्होंने कहा था, सारा वादा उन्होंने अपने कार्यकाल में पूरा किया था। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी ने उस समय उन्होंने जो वादा किया था 15-15 लाख रुपए उन्होंने देने का वादा किया था, और किसानों का जो उपज का जो दोगुना करने का दाम सवाल था वो भी करने का सवाल उन्होंने कहा था, नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, और सड़कों से लेकर के हर व्यवस्था को उन्होंने कहा था कि मैं उसे पूरा करूँगा। लेकिन आज वो वादे एक भी पूरा नहीं हुए और नौजवान सड़कों पे तड़प रहा है, आज बेरोजगार होकर के घूम रहा है, परीक्षा का जब परीक्षा निकालते हैं वो ख़त्म हो जाता है और वो डिसमिस कर देते हैं। और इसी हिसाब से उनके वादे पे तो जनता कतई खरा नहीं उतरेगी। और जो नया घोषणा पत्र भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो दिया है, 300 यूनिट बिजली उन्होंने कहा है, 300 यूनिट बिजली उन्होंने 2000 रुपये पर मंथ पड़ता है और वो फ्री उन्होंने करने का काम किया है। और रही बात उन्होंने महिलाओं के लिए उन्होंने कहा है, जो पेंशन आपकी 500 रुपये हम समाजवादी पेंशन देते थे उसे मैं 1500 रुपये देने का काम करूंगा। और उन्होंने आज जो सबसे बड़ा घोषणा पत्र उन्होंने कहा था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में थी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पेंशन 2005 में पेंशन को ख़त्म करने का काम किया। आप बताओ, जो किसान जो नौकरी करने वाले, चाहे आपके सिपाही हो, चाहे चौकीदार हो, चाहे आपका जो भी नौकरी मास्टर से लेकर के तमाम ऐसे कर्मचारी जो 17.5 लाख के करीब आते हैं, आज उनके बुढ़ापे में एक लाठी का सहारा होता था उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया। और सालों से मैं देख रहा हूँ एक कर्मचारी बेचारे वहाँ पर जाकर के धरना देते हैं, लेकिन आज तक कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को, जिन्होंने आज कल घोषणा किया है कि मैं 2005 से मैं सारे जितने भी पेंशन है उसे बहाल करूंगा और सारे लोगों का जितना भी वादा मैं कर रहा हूं उसे पूरा करने का काम करूंगा। जो सेंधमारी का दौर चल रहा है, सपा में भी सेंध बीजेपी लगा रही है और बीजेपी में जो है समाजवादी पार्टी सेंध लगा रही है, तो इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा समाजवादी पार्टी के ऊपर और बीजेपी के ऊपर? देखिए, समाजवादी पार्टी जो सेंधमारी नहीं कर रही है, समाज भारतीय जनता पार्टी के कृत्यों से वहाँ पर पिछड़ों, दलितों और अगड़े हर समाज के लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है। मोदी जी केवल 2 लोगों को पूछते थे, केवल अडानी अंबानी, अमित शाह और मोदी जी, यही 4 लोगों ने पूरे देश को लूटने का काम किया है। और पिछड़े के आरक्षण के सवाल पे जो संविधान को इन्होंने रौंदने का काम किया है, तो आज पिछड़े वर्ग के लोग और संविधान को मानने वाले लोग आज वहाँ से आकर के माननीय अखिलेश जी के हाथों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। बीजेपी जो दावे कर रही है, आखिर जनता क्यों उस पर विश्वास न करे? देखिए, इन्होंने झूठ से झूठ बोला है हमेशा। इन्होंने जब मंच पे जाते थे, मंच पे जाने के बाद जो बातें कहते थे, अगर अभी आपको मैं बताऊं, अभी फर्टिलाइज़र का सवाल गोरखपुर में था, अभी फर्टिलाइज़र चालू नहीं हुआ, बाहर से 4 ट्रक यूरिया मंगवा करके उन्होंने उद्घाटन दिखला दिया। और रही बात, तमाम ऐसे काम थे जिन्होंने समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में बने थे और इन्होंने एक भी काम इन्होंने नहीं किया। और जितना था धन समाजवादी उत्तर प्रदेश का, सारा धन इन लोगों ने उठा करके कहीं और जा करके ट्रांसफ़र करके वहाँ के लोगों को, कुछ विशेष लोगों को मजबूत करने का काम किया। और यहाँ की जनता उत्तर प्रदेश की आज तड़प करके, न रोज़गार है, न यहाँ पर सड़कें हैं, न अस्पताल है, न शिक्षा है। शिक्षा के सवाल पर इन्होंने इतना महंगा कर दिया है, गरीब के लोग नहीं उसे शिक्षा जो ग्रहण कर सकते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता केडी यादव जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जनता जो है बीजेपी के वादों और दावों से छली महसूस कर रही है और पिछली सरकार में
जो दावे और वादे किए गए थे भारतीय जनता पार्टी द्वारा, उसको भारतीय जनता पार्टी ने पूरा नहीं किया। लिहाजा इसके जनता जो है समाजवादी पार्टी को विकल्प के रूप में देख रही है और अब की बार अखिलेश यादव की सरकार बनाने जा रही है। कैमरा पर्सन मोहम्मद हुसैन और अशोक कुमार के साथ हेमंत सिंह, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, संत कबीर नगर। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया के साथ।